मज़ा बहुत आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। गुरप्रीत आगे निकलते हुए, यहाँ पे ड्रैग रेस स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली, ओ गॉड, ये बहुत गंदा सीन हो गया है। एक्चुअली पीछे हमें बता दिया गया था कि आगे हमें एंट्री नहीं मिलेगी। कैसे हो सर? बस और क्या चल रहा है? सो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त जतिन कुमार, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे एपिसोड 2 फ्रॉम कठुआ। ये कठुआ जो है ये शायद जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, बैग ये देखिए हमारे सब भाई लोग बैग पैक कर रहे हैं। अभी सुबह मैंने मैगी बनाई थी और चाय बनाई थी भाई लोगों के लिए। क्या हाल है गौरव भाई? बढ़िया, अच्छी बनाई थी भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या हाल है भाइयों? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप भाई चाय की दुकान खोल लो। तो अभी जस्ट मैंने क्लीन की अपने बाइक की चैन और भाइयों की बाइक की चैन भी क्लीन करी। अब लूप करने जा रहे हैं। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा आरू वैली। यहाँ से तकरीबन 480 मतलब 350-400 मतलब का 8 घंटे का जो डिस्टेंस है वो है। और बीच में हम रुकते हुए जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं चलाना है। तो ये देख सकते हो सुबह के बज रहे हैं 11:03। तो हमारा जो प्लान था सुबह 6 से 7 बजे का था, बट हम अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से लेट हो गए थे। और मेरी बाइक की जो चैन है वो काफ़ी आवाज़ भी कर रही है। तो यहाँ पे शॉप जो है वो 10 बजे का अराउंड खुलती है। अब जस्ट जा रहे हैं और फिर जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए सो दोस्तों फाइनली रेडी हो चुके हैं। ये रहे हमारे मनोज भाई, क्या हाल है? गौरव भाई, क्या हाल है? अरे अंकल नमस्कार। 1 बज गया है जबकि हमें बहुत जल्दी निकलना चाहिए था आरू वैली के लिए। जैसा कि मैंने बता दिया हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो आरू वैली। आ जाओ गौरव भाई, चल रहे हैं। बाकी बातें राइड पे करते हैं। तो दोस्तों फाइनली राइड की शुरुआत हो चुकी है। और अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 1:23 हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके, जय माता दी, हर हर महादेव। अभी हम है कठुआ जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। तो यहाँ से निकलने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि जैसा कि मैंने बता दिया अक्षय भाई की बाइक में क्लच प्लेटों का काम होना था और वो 10 बजे के आसपास खुलती है। ये देखो अंकल को, तो उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ पर टाइम भी लग रहा था, भीड़ भी थी। तो हाँ मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जो हमने रूम लिया था वो 1200 का था, जिसका हमने 1000 रुपीज़ दी थी। और अक्षय भाई, साहिल, मनोज और विशाल ये चारों रात में 3:30 के करीब अम्बाला से आ गए थे। तो फिर वो इसी रूम में हमारे साथ सोए थे। साथ में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, धूप हो रही है। तो जब तक बाइक चल रही है थोड़ी हवा लग रही है, अदरवाइज़ गर्मी बहुत है। ये कौन सी नदी है पता नहीं, बट इसका जो पानी है वो काफ़ी रेड है। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। बच्चे बाय बाय कर रहे हैं दोस्तों, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब मिल रहा है बीच बीच में, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो है ना हाईवे तैयार हो रहा है, फ्लाईओवर बनेगा यहाँ पर। वेलकम्स यू। उधमपुर यहाँ से 83 किलोमीटर है। तो आज है मंडे, मुझे लगा संडे है। इट मीन्स मतलब हम परसों रात में निकले थे आज़ादपुर से तकरीबन 8:30 के आसपास, 7:30 या 8:30 के आसपास। और बारिश बहुत ज़्यादा मिली हमें रास्ते में, समझ लो हम पूरे रास्ते से भीगते हुए आए थे। अगर आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब बहुत ध्यान से चलाना होगा क्योंकि अब हम पहाड़ों में एंटर करने वाले हैं। अगर हमारे को रोड ऐसे ही मिला तो सच में हम अपने टाइम पे पहुंच सकते हैं आरू वैली तक। अदरवाइज़ अभी जैसे पैचेस मिले थे बीच बीच में, और क्योंकि काम चल रहा है रोड पर, अगर ऐसा हुआ आगे चल के भी तो आज भी शायद हमें पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाएगा। और हम रात में बाइक नहीं चलाना चाहते पहाड़ों में, मतलब चाहते हैं कि इस बार अवॉइड करें। बाकी देखते हैं, प्लान तो हम बना लेते हैं लेकिन
एग्जीक्यूट करना उसको, उसी प्लान को। मतलब हर बार हर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है कि हाँ हम जैसा चाहे वैसा ही हो। जैसा कि अक्षय की बाइक में दिक्कत आ गई थी, मेरी बाइक में भी दिक्कत आ गई थी, चैन जो है वो काफ़ी आवाज़ करने लगी थी, तो सब चीज़ हो जाती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता ही नहीं सब चीज़ों से। अगर कभी भी जैसे आप राइड पे जा रहे हैं, चाहे कार चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं, तो जैसे भी कोई जानवर कोई भी एनिमल अगर रास्ते में चलता हुआ दिखे, तो प्लीज़ अपनी बाइक को या अपनी बाइक की मतलब गाड़ी की स्पीड को एक लिमिट में ले आइए, क्योंकि जानवरों का नहीं पता होता कि वो कब एकदम से रोड क्रॉस कर ले और आपकी गाड़ी के सामने आ जाए, तो उससे जानवर को भी लगेगी और आपको भी लगेगी। व्यू यहाँ पे जो है ना वैली काफ़ी अच्छी है, बट अभी थोड़ा धूप हो रखा उसकी वजह से काफ़ी गर्मी भी लग रही है। जैसे बाइक रोकी गर्मी स्टार्ट हो गई हमें लगना। चलो ये अच्छा है कि बीच बीच में ऑफ रोडिंग भी मिल रही है, इससे अपनी स्पीड भी लिमिट में रहती है। यहाँ से उधमपुर रह गया 75। अच्छा जो है नीचे नदी आ रही है एक इस तरफ जा रही है, और कितना प्यारा लग रहा है ना नज़ारा। मतलब एक्चुअली जब हम छोटे छोटे थे तो घर में जो घर में सीनरी लगाते थे ना, पिक्चर लगाते काफ़ी बड़े पोस्टर वाली, उन्हीं में देखते हैं ऐसी चीज़ें, और अब रियल में देखते हैं तो सच में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा ही लगता है एकदम से, क्योंकि रियल में और सीनरी में बहुत अंतर हो जाता है। यार रास्ता कितना प्यारा लग रहा है वाला, ये देखिए रास्ता सच में बहुत प्यारा लग रहा है। पहली व्यू देखो कितना प्यारा है ना यहाँ का। बट आप कभी भी ऐसे शूट कर रहे होते हैं इस तरफ राइट या लेफ्ट साइड देखते हुए, तो आपको हमेशा रोड पर भी ध्यान देना चाहिए, कभी वैली के चक्कर में सच में आप भी वादियों में ही खो जाएं। अरे कितने दूर तक ऐसा ही रास्ता है, ऐसा तो सच में काफ़ी लेट हो जाएगा हमारे को, बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा क्योंकि टायर कब स्लिप मार जाए कुछ नहीं पता। अभी एक लोकेशन पर रुके हैं, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आया है, इसी वजह से यहाँ पे सब व्यू देखने के लिए। ये देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, और ये रहा अपना गोकू, बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो हमारे साथ साथ हमारे गोकू को भी भूख लग रही है, इसलिए इसका भी पेट फुल करवा रहे हैं। रामपोज करके कुछ ये जगह है, और यहाँ से उधमपुर तकरीबन 50 किलोमीटर रह गए, तो अब 630 का पेट्रोल डल चुका है इसमें। यहाँ से बत्तल जो है 14 किलोमीटर रह गया है, और अभी तक हमने लंच नहीं किया है, जैसा कि टाइम बाद में बता दिया 3:15 बज रहे हैं। तो जो डिसाइड हुआ है अभी वो है कि हम उधमपुर जाएंगे, उधमपुर में बैठ कर आराम से होटल पर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। मुझे लगता है मेरे को बाइक की अलाइनमेंट करानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो हैंडल है काफ़ी वाइब्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी दिखाता हूँ कितना वाइब्रेट हो रहा है, ये देखिए। चलो गुरप्रीत आ गया है, ओ तेरी बारिश मिल गई है। तो दोस्तों अभी मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी, एक्चुअली मेरा वाटरप्रूफ केस नहीं आया और बूंदे स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पर। तो जैसे ही बारिश आगे रुकेगी तो फिर दोबारा शूट करेंगे, कैमरा दोबारा निकालूंगा। अभी जस्ट अब बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों पहला वाटरफॉल आ गया है छोटा सा, तो ऊपर कहीं से आ रहा है, मेरे को लग रहा है कहीं आर्टिफिशियल कुछ बनाया हुआ है। अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो तकरीबन बज रहे हैं 6:25, और अभी हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुँचे हैं, ये देख सकते हैं ये वाटरफॉल है छोटा सा, और ये आई थिंक मुझे लग रहा है आर्टिफिशियल बनाया गया हाईवे पे, बट जो भी है बहुत सेक्सी लग रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, गुरप्रीत आगे जा चुका है। अभी यहाँ से चेनानी जो जगह है वो 12 किलोमीटर के अराउंड रह गई है, उधमपुर हमने पार कर लिया है। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि हम उधमपुर में
लंच करेंगे, बट हमने उससे पहले ही रोक के लंच कर लिया था क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, उससे हेडेक भी हो रहा था। ये देख रहे हो उसको कितना गंदा टर्न लिया इसने, ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। ऊपर देखिए मौसम कितना भयंकर हो रहा है, ऊपर हो सकता है बारिश भी हो रही हो क्योंकि बादल ही बादल हो रखे हैं ऊपर। ओवर हाई टर्न राइट टू उधमपुर लेन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। तो ये टोल है यहाँ पर, बाइक का ये तो फ़ायदा होता है कि कोई टोल नहीं लगता। तो अब टनल में एंट्री करने वाले हैं, बस कोई चेकिंग वैकिंग ना हो यहाँ पर। चेनानी नाशरी टनल वे लिमिटेड, श्यामा प्रसाद। वाह यार कितनी सेक्सी टनल बना रखी है, ये जेसीबी कहाँ से आ गई। चलो बढ़िया किया इसने रोक लिया। फाइनली बाहर आ गए हैं, सच में पता नहीं कितने किलोमीटर की टनल बनाई है। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी यहीं से ही रास्ता जा रहा है। श्रीनगर यहाँ से 148 रह गया है। फिर से टनल स्टार्ट हो चुकी है, ये देखते हैं कितनी लंबी टनल है। वैसे ज़्यादा लंबी टनल लग नहीं रही है मेरे को। ज़्यादा लंबी टनल नहीं थी। चलिए दोस्तों अब एक स्टॉल पर रुक रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। कंटिन्यूस बाइक चल रही है और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए और हमें भी। वहाँ क्या सीन हो गया है, वहाँ पे राइडर टीवीएस की जो राइडर है उसको रोक लिया है पुलिस वालों ने, देखते हैं बाकी क्या बात हो रही है। क्या हो गया था साहिल भाई? अच्छा मैंने बोल दिया भाई कश्मीर जा रहे हैं, दिल्ली से आए हैं। अरे वाह, फिर कुछ नहीं भाई, बोला कि जाओ निकल जाओ। चलो बढ़िया, हाँ हाँ बिल्कुल इनकी ड्यूटी है यार। अक्षय कहाँ रह गया? नहीं सही भी है, दुर्घटना से देर वाली। चलिए दोस्तों वहाँ पे हमारे को एक स्टॉल दिख रहा है, वहाँ बैठते हैं आराम से चाय वाय पियेंगे। ठीक है अभी हम एक ढाबे पर रुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है और तो बाइक को भी रेस्ट देना था, तो हमने अभी जस्ट चाय पी है। और अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो रात के बज रहे 7 और यहां से तकरीबन पटनी टॉप रह गया है। पटनी टॉप यहां से कितनी दूर है? 1 मिनट। तो चलिए बाकी मैं आपको सर से मिलवाता हूँ यहाँ पे। सब कैसे हो सर? बस और क्या चल रहा है? अच्छा सर यहाँ से पटनी टॉप कितना किलोमीटर होगा? पटनी टॉप हाँ जी 20 किलोमीटर। इस रास्ते पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उस वाले पे? अब और आरू वैली कितना किलोमीटर पड़ेगा? आरू वैली 150 किलोमीटर का राउंड। तो जैसा कि सर ने बता दिया 150 किलोमीटर का राउंड आरू वैली पड़ेगा। और टाइम बज रहे हैं बनियाल तो आरू वैली, जैसे अगर अब रात में 7 बज गए हैं तो रात में सेफ है? नहीं पहुँच पाएंगे मतलब? कौन सी जगह? श्रीनगर श्रीनगर में आज। अच्छा सिटी में चले जाना। तो वो कितना किलोमीटर होगा जो आप बता रहे हो? 110-120 किलोमीटर। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया 110 के अराउंड श्रीनगर रह गया है। तो अगर यहाँ से निकलते हैं, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। कोशिश करेंगे कि टाइम से पहुँच जाए, अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो बीच में रुक के होटल लेंगे, फिर वहीं रुकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है। थकावट भी हो रही है ना?
ये देख रहे हमारे गौरव भाई को क्या हाल हो गया। सबसे बड़ी बात ये जतिन भाई, हाँ जी, ये टेंशन हो रही है कि भाई अभी आगे सिर्फ 50 किलोमीटर जाना है, जाने दे रहे हैं, उसके आगे हमें आपको पता ही कितना जाना है। हाँ ये तो है, ऑलरेडी हमारा ट्रिप कितना डिले हो चुका है। सच में चले, चलिए दोस्तों अब फटाफट बैग बांधते और फिर निकलते आगे यहाँ से। अभी जस्ट चाय पी के निकले हैं और तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास आ गए चुके हैं और लेफ्ट साइड पर एक नदी चल रही है साथ में और काफ़ी तेज बहाव है उसका। और यहाँ से बनिहाल 38, अनंतनाग है 76, श्रीनगर 135, गुलमर्ग 186, सोनमर्ग 212 और लेह 549 किलोमीटर रह गया है। बहुत अच्छा हुआ कि अक्षय भाई ने फॉग लाइट लगवा ली है जिसकी वजह से थोड़ा विजिबिलिटी हो रही है हमारे को। तो ये देख सकते हो पता नहीं क्या बना रखा है, आई थिंक ये ऊपर कुछ फ्लाई ओवर समथिंग बना रखा है। अंधेरा काफ़ी हो गया और ये सामने से ट्रक आए जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ लाइट है तो उनकी वजह से भी विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है बीच बीच में। और ये सिर्फ वन वे है, मतलब वन वे नहीं, मतलब बहुत नैरो रोड है, इसी पे ही आना जाना लगा हुआ है। और सामने से देख सकते हो कितने सारे ट्रक आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है, तो इसलिए रात में ड्राइव करना प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। एक तरफ खाई है और एक तरफ ये ट्रक वाले आ रहे हैं और इनकी लाइट जो है ना सीधा आँखों पर लग रही है, और मुझे लगता है कि अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ रुकने के लिए भी नहीं है तो इसलिए चलना पड़ रहा है, मजबूरी है। पता नहीं कितने किलोमीटर तक ऐसी रास्ता रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक रोड से निकलते हुए अब जाके टनल तक पहुँचे हैं। टनल में एक बार को हमें सेफ भी लग रहा है, रात का टाइम है, बाहर पहाड़ों में पता ही है लाइटिंग नहीं होती है, लो टनल ख़त्म भी हो गई है अब फिर से। अरे रोड ख़राब आ गया काफ़ी, रात का वक्त है, ऑफ रोडिंग हो रही है, काफ़ी डेंजर हो जाता है ये सब चीज़ें। खैर कोई नहीं, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। हमेशा रात के टाइम पर राइडिंग अवॉइड ही कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। जो पहाड़ दिन में बहुत खूबसूरत लगते हैं, रात में सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। और अब दिख ही रहा है जैसा कि आपको, यहाँ पर ज़रा कुछ काम वाम चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बुरी हालत हो रखी है रोड की। देख सकते हो पहाड़ों में ऐसे होता है, अभी ये दोनों ट्रक बिल्कुल फंस चुके थे। सो दोस्तों अभी हम एक होटल पे रुके हैं, एक्चुअली अभी आशीष भाई ने मेरे को थोड़ा सा हंसवा दिया, कह रहे हर जगह ब्लॉग शूट मत किया करो। तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था इसलिए अभी जस्ट बाल धोए और फेस धोए हैं। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो बजे रहे रात के 9, जस्ट कॉफ़ी मंगवाई है हमने। कैसी लग रही है भाई साहब? भाई बढ़िया, फर्स्ट राइड है भाई, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी तक जो रोड मिला था ना सच में बहुत खतरनाक रोड था वाला। रोड कैसा था जो अभी तक मिला था? रोड भाई ऑफ एंड ऑफ ऑन है, मतलब बहुत अच्छा है, कहीं पे बिल्कुल ही ऑफ रोड है, बढ़िया भाई, एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। कट कट कट, लेकिन मैं ये काटूंगा नहीं, मैं डालूंगा। कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा है ये होटल। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, काफ़ी क्लीन है। और यहाँ से तकरीबन आरू वैली 103 किलोमीटर रह गया है, यानी 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। और रात के बज रहे हैं 9, हमारी बाइकें जस्ट वहाँ पे खड़ी हुई हैं चारों, ये अपना सामान रखा हुआ है। चलिए दोस्तों कॉफ़ी पीते हैं फिर आगे मिलते हैं। दोस्तों कॉफ़ी पी ली है,
और अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और ये वीर जी ने यहाँ पे स्टे करने के लिए भी बोल दिया कि आप अगर यहाँ पर रेस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट प्राइस, मतलब ये चार्ज नहीं लेंगे यहाँ पर। तो बट हमें आगे निकलना ही होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है पाजी, हमारा मेरा बैकपैकर। और 9:21 हो रहे हैं, कॉफ़ी पीने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि भैया ने बता दिया, रोड अब बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियर रोड मिलने वाला है और वन वे है, तो इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन तब भी हम बहुत केयरफुली चलेंगे क्योंकि रात का टाइम है। तो लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है जम्मू के लिए जा रहा है, यहाँ पे लाइटिंग सच में बहुत प्यारी हो रही है। अभी ये जगह का नाम तो पता नहीं है मुझे, कौन सी जगह पे पहुँचे अभी, बट रोड भी बहुत प्यारा है और जगह भी बहुत प्यारी है। लेकिन सच में यहाँ मज़ा आ रहा है राइड करने में क्योंकि लाइटिंग बहुत प्यारी है यहाँ पर। तो चलो दोस्तों, फिर से टनल के अंदर जाने के लिए रेडी हैं। ये कोई टनल नहीं है, मुझे लगा कोई टनल है, ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। टनल में जाने के लिए रेडी हो जाइए, अमरनाथ जी यात्रा 2024, बट बार बार लिखा हुआ आ जाता है, बट एक्चुअली हम अमरनाथ नहीं जा रहे हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। भगाओ, गुरप्रीत आगे निकलते हुए, यहाँ पे ड्रैग रेस स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि वो डोमिनार 400 cc है और मेरा हंटर 350, मैं 120 की स्पीड में चल रहा हूँ इस वक्त। चलो फाइनली टनल का एंड होने वाला है और ये हो गया है एंड, और ये हमें रोक लिया गया है यहाँ पर, तो देखते हैं। हाँ, साइड यहाँ पे लगा ले साइड। अरे तेरी तो रोक लिया गया। तो जैसा कि पीछे बता दिया गया था कि हमें एंट्री नहीं मिलेगी आगे जाने के लिए, उधर ही लेकर आ रहे हैं, तो हमें क्या दोबारा वापस जाना होगा। अरे ये तो गलत हो गया, दिल्ली चले 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 आगे। ये तो बहुत गंदा सीन हो चुका है यहाँ पर। सुबह 4:00 ओ गॉड, ये बहुत गंदा सीन हो गया है। एक्चुअली पीछे हमें बता दिया गया था कि आगे हमें एंट्री नहीं मिलेगी और वही सीन हो गया। ये कह रहे हैं यहाँ पे 4:45 तक आप आ जाइएगा तो ही एंट्री हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे रात में राइड करना अलाउड नहीं है। तो अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, हमें बैक दोबारा से पीछे जाना होगा। बहुत गंदा सीन हो गया, बहुत ही गंदा। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक्चुअली हम वापस आ गए हैं, जैसा कि बता दिया था आगे एंट्री नहीं है। ठीक है वहीं चल रहे, चलो चलिए फिर, तो बढ़िया हो गया। तो जैसा कि सर ने बताया, आगे जो ये अमरनाथ जी यात्रा करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए टेंट वेंट लगे होते हैं, तो हम रैन बसेरा टाइप का, तो वहाँ पे रुक सकते हैं। आशीष भाई क्या बोल रहे थे, वो यूं बोल रहे थे आगे कोई स्क्वाड नहीं, अगर कुछ हो गया तो कौन जवाब दे होगा उसका। पाकिस्तान गाली पाकिस्तान को दे रहा हूँ।
1500 आतंकवादी आए हैं, आगे फोर्स नहीं है। अच्छा, सुबह पहुंच जाएगी। अगर मान ले रात को जा रहा गाड़ी वाले तो चल भगाते हुए निकल जाएंगे, हमको रोक लिया बेंचो, हम रुक गए तो फिर ट्रक वालों को। सही बात है, सुबह फोर्स आ जाएगी तो रिस्क क्या लेना है, काम करने से पहले रोकना चाहिए था। हाँ ये बात तो है, ये बात है। चलो कोई नहीं, निकलते हैं आगे जो श्रद्धालुओं के लिए है, टेंट वेंट लग रहा होगा वहाँ रुकते हैं, मज़ा आने वाला है। तो अब हमारे गौरव भाई गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर तक चलाएंगे बस। अरे बोरा टेंट, बोरा बोरा सामने उधर, तो उधर पूछ लेंगे बोरे सर, उधर पूछ लेंगे। CRPF वालों का भी कैंप है ना, श्री अमरनाथ जी यात्रा CRPF, आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। कहाँ से एंट्री है, वहाँ से है क्या? चलिए दोस्तों बाइक पार्क अब यहाँ करनी होगी हमें, ध्यान से लगाइए बाइक। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बाइकें खड़ी हुई हैं। वहाँ कौन सा फोन पे चलेगा साले, फ्री में मिल रहा है, जाके जा चाय पड़ी होगी वहाँ उठा के ला गर्म करके, सेवा कर श्रद्धालुओं की। टाटा की शर्ट पहन के आ गया है। अरे सो जाओ, कब तक वीडियो देखते रहोगे दोस्तों। ये पूरा एरिया बेस कैंप है, जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु आते तो वहीं रुकते, और ये है यहाँ पे खाने के लिए भंडारा होता है यहाँ पर। तो हमने अभी जस्ट दाल चावल खाए और रोटी खाई है, सच में काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर, और इधर ये वॉशरूम बना हुआ है। सो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर एक कैंप है, तो हम कैंप पर रुक गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर एंट्री नहीं थी हमारी, हम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री है, बाकी किसी की भी नहीं है। बट यहाँ पर एक सर मिल गए थे, तो उन्होंने हमारे लिए अपना सीनियर्स जो अफसर है उनसे बात करी और हमें मतलब यहाँ पे कैंप में जगह दिलवाई रुकने के लिए। बाकी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैंप कैसा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बेड बने हुए हैं, और ये रे गुरप्रीत भाई कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, फाइनली रूम मिल गया। हाँ नहीं तो भटकते इधर उधर। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे अलाउड भी होगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और अब मिलते हैं कल नए एपिसोड और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।